खबर गांव की हो या किसान की, महिला की हो या सफल इंसान की, हर अच्छी खबर दिखाएगा ग्रामीण न्यूज। ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे देश के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए और कुछ घायल हो गए। ये धमाका इतना दर्दनाक था कि कई जवानों के शव भी बिछत हो गए। इस हादसे के बाद पूरा देश इन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है और पाकिस्तान पर बेहद गुस्सा दिखा रहा है। लोगों में बस यही मांग है कि हमारे देश के जवानों की जान का बदला अब सरकार कब लेगी। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी सर्वाधिक तरजीह देश का दर्जा तक छीन लिया गया। वहीं हमले के बाद क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया यानी CCI के सचिव सुरेश वाफना ने कहा कि भारत को आगामी विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। इस कायराना हमले में 40 CRPF के जवान शहीद हुए और कई घायल हो गए। 40 से अधिक देशों और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसकी कड़ी निंदा की। ICC वर्ल्ड कप 2019 में भारत पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करने की अपील करते हुए वाफना ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की चुप्पी ये साबित करती है कि इसमें पाकिस्तान का ही दोष है। सुरेश वाफना ने कहा कि हमारी आर्मी के खिलाफ किसी भी तरह के आक्रमण और CRPF जवानों पर हमले की हम निंदा करते हैं। हालांकि CCI सहायक संस्था है, लेकिन राष्ट्र किसी भी खेल से पहले है। उन्होंने कहा इमरान खान को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वो प्रधानमंत्री हैं और यदि उनका मानना है कि इसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है तो उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, लोगों को सच पता चलना चाहिए। उनका खुलकर ना आना ही उन्हें संदेह के दायरे में खड़ा करता है। इससे पहले क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले का विरोध जताते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पोस्टर ढक दिया है। इसके साथ ही मोहाली स्टेडियम से सभी पाकिस्तानी क्रिकेटरों के पोस्टर तक हटा दिए गए हैं। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के परिसर में दुनिया भर के महान क्रिकेटरों की तस्वीरें हैं। इसमें पाकिस्तान के 1992 विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान की भी तस्वीर है, जिसे ढक दिया गया है। आगामी विश्व कप का आयोजन 30 मई से इंग्लैंड के वेल्स में शुरू हो रहा है। भारत और पाकिस्तान को 16 जून को ओल्ड ट्रफर्ड में मैच खेलना है। मैच के बहिष्कार की अपनी सीमाएं हैं और BCCI इससे परिचित होगा। ये ध्यान रखते हुए कि ये ICC का विश्व कप है, दोनों देश केवल इसी टूर्नामेंट में एक दूसरे के साथ भिड़े हैं। मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम मुकाबला पिछले साल एशिया कप के दौरान हुआ था। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने सरफराज अहमद के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी टीम को 2 बार हराया था। भारत फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 T20 और 5 वनडे की सीरीज की तैयारियां कर रहा है। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि इससे पहले क्रिक बज, डी स्पोर्ट, ड्रीम 11 और अब क्रिक ट्रैकर ने पाकिस्तान सुपर लीग संबंधित सारी कवरेज हटा ली है। पाकिस्तान को देश के हर उस स्थान से हटाया जाएगा जहां उसका नाम होगा। अब तो देश का हर इंसान भी यही चाह रहा है कि पाकिस्तान से अपने जवानों का बदला लें। जाहिर है जिस तरह का कायराना हमला पुलवामा में देश के सैनिकों पर करवाया गया, उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। ऐसे में अगर भारत ICC वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलता तो ये पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक साबित हो सकता है। इसी तरह बने रहें आप हमारे साथ। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए हमारा चैनल ग्रामीण न्यूज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए सब्सक्राइब करें ग्रामीण न्यूज।